अरे अरे बाइट बोला ना, बाइट शुरू करें। हाँ बिल्कुल, सोमवार की सुबह सुस्ती भरी हो सकती है, बशर्ते कैलेंडर में तारीख 1 मई की हो और सरकारी गजट के मुताबिक एक छुट्टी का दिन हो। और ऐसे छुट्टी के दिन में बेंगलुरु जैसे ट्रैफिक से जूझते और ख्यालों में विचरते शहर में भी आपको कुछ नौजवान मिल सकते हैं जो आपको बताएंगे कि कर्नाटका का चुनावी तापमान कैसा है। कुछ एक बुजुर्ग भी मिल जाते हैं जिनके हाथ में हमेशा प्लेट होती है। बिल्कुल, इलेक्शंस ऑन माय प्लेट। हाँ, इलेक्शन ऑन माय प्लेट, ये उसका सप्लीमेंट्री एपिसोड है। बिल्कुल, ये आपके लल्लन टॉप के लिए है स्पेशल। मैंने बेंगलोर का एपिसोड कंप्लीट किया, चलेगा टीवी पर फ्राइडे को। डिजिटल की तरह हमें समय लगता है, डिजिटल तो आप तुरंत लाइव कर लेते हैं। हाँ, पर ये है मैंगलोर बन, मैंगलोर का बन, मैंगलोर और चटनी और ये कोई उनकी जो कड़ी होती है। भाई साहब, सर प्लीज कम एंड एक्सप्लेन दिस फूड बिकॉज ही टुक प्लेट फ्रॉम यू। दिस इज फ्रॉम हिज टाउन। हाँ, हेलो, व्हाट्स योर नेम? अमोक। अमोक, प्लीज एक्सप्लेन, ये क्या है? So this is called as mango bun. It's made from banana. So it's इसके अंदर केला है? केला से बनाते हैं ये। केला जो बहुत केला जो राइप होता है ना, उसको पिघा के सब हिंदी थोड़ा थोड़ा। अरे आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हो, चलो आप तो उसको आप तुलू भी बोल सकते हो। So from the base of the banana they make it and then they in a mixture they fry it in a hot oil. It's deep fried. Deep fried. तो जिन लोगों को bad cholesterol है, उन्हें avoid करना चाहिए। I think the amount Mr. Sardesai goes around India. I think this should cope up. And what is this? This is sagu. But सब्जी sagu. हाँ, साग। सब्जी है, चटनी है और ये है। ये बड़ा अच्छा है। बट मैं इस समय नहीं खा सकता, मैंने ब्रेकफास्ट लिया है। कम ऑन गाइस, ये आपके पूरी जो लंदन टॉप की टीम आई है, प्लीज शेयर दिस। अरे व्हाई इज एवरीबॉडी रनिंग? एंड ये नबीला है, इनको आपने नेता नगरी में भी देखा हुआ है और ये लगातार घूम रही है। हाँ बताइए, आप तो लोकल से हैं, हम लोग तो बाहर से आए हैं। लोकल के अलावा ये मैंगलोर बन है, मैंगलोर से मैं जहाँ से आती हूँ। सो दिस इज लोकल टू माय नेटिव एंड इट्स मेड और इट्स बालप्पे, बेसिकली बनाना दैट्स मिक्स्ड इनटू द आटा एंड यूजुअली हैड फॉर ब्रेकफास्ट बट इज आल्सो अ परफेक्ट स्नैक। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बैंगलोर वालों के छोले भटूरे का भटूरे है। हाँ, मगर थोड़ा मीठा है, थोड़ा मीठा है। अरे मैंने इसी एयरलाइंस होटल में एक शूट किया, यहाँ बड़ा भटूरा जो बनता है, यहाँ वैसे फेमस जो है यहाँ की जो अक्की रोटी है वो यहाँ की फेमस है, लेकिन वाकई अगर आप यहाँ का भटूरा भी देखिए तो वो बहुत बड़ा होता है। देखिए क्या है ना, मुझे अच्छा लगता है बैंगलोर के बारे में, उन्होंने एक तरह से नॉर्थ इंडियन कल्चर जो है, उत्तर भारतीय कल्चर को एक तरह अडेप्ट किया है, लेकिन अपने कल्चर को भी वैसे के वैसे रखा है। चलिए, राजदीप जी ने कहीं तो ये कहा कि उन्होंने अडेप्ट किया है उत्तर भारतीय कल्चर को। ये आपकी कब से चल रही है पानीपत की चौथी लड़ाई वर्सेज नॉर्थ इंडियंस? देखिए ऐसा है मेरे दोस्त, आप उत्तर भारतीय आ गए मुंबई में, आपने मेरे शहर को टेक आ गए What do you mean, भाई आ गए? आप आ गए? Last time I checked, मुंबई भारत के नक्शे में आता है। बिल्कुल, आप नहीं, हम और संविधान ये मेरे दोस्त हम और काम करने आए। बिल्कुल, अब हम मुंबई को समृद्ध करने आए, आपकी मिले चलाने आए। हम स्वागत करते हैं आपका, आप उसी तरह से हमें भी स्वागत करिए। आइए राजदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बुंदेलखंड में। ये हमारे साथ मिला जीशा, जीशा हमारी साथी है, ये भी बेंगलुरु से है, है ना? हाउ डू यू से? नमस्कार, नमस्कार। ये हमारे साथी हैं, ये यहीं आए हैं बेंगलुरु के, पढ़े हुए हैं, नाम बताइए। अभिनव, अभिनव डीआरपी। अच्छा, सो चूंकि तुम लोगों को सबसे ज़्यादा ये ट्रेन किया जाता है कि पॉलिटिकल कमेंट्री नहीं करनी है पब्लिक में, इसलिए आई विल स्टार्ट विद यू, क्या इश्यूज लग रहे हैं इलेक्शन में? वन एस्पेक्ट इज बोम्मई स्टिल सीम्स लाइक अ वीक चीफ मिनिस्टर इन द आईज ऑफ मेनी पीपल, मोस्टली बिकॉज येडियुरप्पा हु हैज बीन द फेस ऑफ बीजेपी फॉर सो लॉन्ग इन कर्नाटका वॉज यू नो आउस्टेड बाय सम हिंदी उनको नो, प्लीज डू नॉट फोर्स एनी इंडियन टू स्पीक हिंदी, लेट देम स्पीक इन द लैंग्वेज दे आर कंफर्टेबल, सो ही कैन स्पीक इन कन्नड़ा, ही कैन स्पीक इन हिंदी और इंग्लिश और मराठी फॉर दैट मैटर और कोंकणी विच यू डू नॉट नो। जी, उनके कंप्लीट करने के पहले एक छोटी सी बात, क्योंकि आपने मराठी का जिक्र किया, आज बहुत बड़ा दिन है, आज केवल आज केवल कामगार दिवस नहीं है जो लेबर डे जिसे आप कहते हैं, आज महाराष्ट्र दिन है और आज गुजरात दिन है। दोनों का जो बंटवारा एक तरह से हुआ था, पुरानी बम्बई स्टेट का, वो आज ही के दिन हुआ था। और मैं मेरे सभी गुजराती दोस्त जो लल्लन टॉप देखते हैं, केम छो, नमस्कार, तमारू बहु स्वागत आज ना दिवस ऊपर। आणि माझे जे महाराष्ट्रन भाऊ आणि बंधिणी आहेत त्यांना मी एवढंच सांगीन,
महाराष्ट्र दिवसाचे कर्नाटकाली कन्नडा मातडी नी सर। अच्छा अच्छा देखिए ये अगर अगर भाषा जोड़ नहीं रही है तो हमें उसमें मैं इसमें पढूंगा नहीं, नहीं बिल्कुल मैं बता डेंजरस है जी। मैं अभी बेलगावी गया तो था। व्हाई डिड यू स्टार्ट विद नॉर्थ इंडियंस यू नॉर्थ इंडियंस दिस इज क्लासिक राजदीप फॉर यू। हम लोग कर्नाटक चुनाव पे आ जाते हैं और उससे पहले एक बस छोटा सा एडिटिंग है। बंटवारा बहुत ही नेगेटिव टोन लिए होता है। ये वो दिन है जिस दिन महाराष्ट्र जिसके लिए आंदोलनरत थे लोग वो एक राज्य बना और गुजरात भाषियों के लिए गुजराती भाषियों के लिए गुजरात बना। आप दोनों लोगों को अपने अपने राज्य के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई और सिर्फ फेसबुक ट्विटर और इंस्टा पे बधाई से काम नहीं चलेगा। इफ़ यू रियली लव योर स्टेट अगर वाकई आपको अपनी मादरी जबान से अपनी मातृभाषा से प्यार है तो गुजराती और मराठी का लिटरेचर खूब पढ़िए साहित्य को पढ़िए। जैसे आपके घर में ईश्वर के लिए एक कोना होता है बच्चों के लिए एक कोना होता है वैसे ही आपकी अपनी जबान की किताबों के लिए कोना होना बहुत ज़रूरी है। थिएटर देखिए जाके म्यूज़िक देखिए तभी भाषाएं बचेंगी। ये पोस्ट करने और सिर्फ दिवस बनाने से नहीं बचेंगी। ठीक है सर यस हाँ जो तो तुम हिंदी कन्नड़ा अंग्रेजी किसी में भी बोल सकते हो। जो दूसरा मुद्दा है वो है कि भ्रष्टाचार क्योंकि वी हैव सीन दैट द पब्लिक कॉन्ट्रैक्टर्स द टीचर्स यूनियंस जस्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर इन बैंगलोर इज क्रम्बलिंग इन अ वे दैट मोस्ट पीपल परसीव दैट देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ मनी टेकन ओवर बाय द पॉलिटिशियंस सो दैट माइट बी एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। लास्टली टू काउंटर बोम्मई प्रोबेबली अ न्यू फेस हैज टू कम अप। आई डोंट नो इफ सिद्धरामैया हैज द पॉलिटिकल कैपिटल टू कैश इन एंड एक्चुअली become the chief minister or if another candidate can actually come up but these are the few things that we see. क्या कर्नाटक के नौजवान उस चर्निंग से गुजर रहे हैं कि सारे tested political player हैं कोई ऐसी नई hope नहीं है वैसा भी कुछ है क्या? Because you said कि ठीक है मुंबई है येदुरप्पा है और अब सिद्धरमैया ने सारे same उसी political spectrum से आते हैं। हाँ जी there's some sort of cynicism with my generation I feel at least among the group of people I move around because we don't really have some sort of hope in a new political leader. Instead most people of my generation are focused on are there jobs in Bangalore, is the infrastructure good so that you can get to office at a fast rate. These are the real issues and we don't really put our hopes on a new candidate coming up. We just want the basic functions of the government to make our lives easier. One last question before I move to other people. So when we go for municipality election we talk about roads, sewage, cleanliness. When we go for state elections and national elections, so how do you guys compartmentalize? कि ये पर्टिकुलर जवाब देता हूँ इसका। नहीं इनसे पहले क्योंकि एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है देश को जानना चाहिए। ऑलमोस्ट तीन साल से बंगलोर में म्यूनिसिपल इलेक्शन नहीं हुए हैं। आप सोचिए 3 साल से नहीं हुए पोस्टपोन कर रखे हैं अब देखिए वो कोर्ट में मामला चल रहा है वो फिर मुंबई म्यूनिसिपल इलेक्शन भी 1 साल से ज़्यादा पोस्टपोन हुए हैं। ओबीसी रिजर्वेशन को लेके डीलिमिटेशन को लेके कोर्ट में चल रहे हैं। तो आज अगर बंगलोर का कोई व्यक्ति जानना चाहे ट्रैफिक के प्रॉब्लम को क्या कर रहे हो उसका कॉर्पोरेटर नहीं है। अब आम आदमी पार्टी का कहना ये साजिश है कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर की है कि हम नहीं करना चाहते क्योंकि वहाँ उनको लगता है कि उनको भी चांस होता है। असली चीज़ ये है कि ये जो मुद्दे ये इन्होंने उठाए कौन करेगा साफ सफाई। पिछले साल इसी शहर में वाटर लॉगिंग हुई थी मैं कई लोगों से मिला हूँ कॉर्पोरेटर है ही नहीं। और आप ताजुब होगा एक सिटीजन्स ग्रुप है उन्होंने परमिशन मांगी थी कि हमारे जो नेता हैं उनके साथ हम पब्लिक मीटिंग्स करने वाले हैं। पुलिस ने परमिशन डिनाई की है। आप सोचिए पुलिस बंगलोर की डिनाई करती है परमिशन को नागरिकों को मिलना है अपने एक मीट योर कैंडिडेट प्रोग्राम शुरू करने वाले थे मिला नहीं उनको। ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया था एक फ्लाईओवर बंगलोर में बन रहा है 70 लोगों ने सुबह प्रोटेस्ट किया था उन पर FIR लगाए गए। आप हेरिटेज ट्रीज है और वहाँ पर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ पर वो इलीगल एरिया है प्रोटेस्ट करना मना है तो इसीलिए FIR लगाया गया था। बट डबल राजदीप दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रेजेंट करेक्ट फैक्ट्स विद करेक्ट कॉन्टेक्स्ट बट आई मीन ड्यू क्रेडिट टू सर द फैक्ट इज दैट पुलिस लोग इतने सारे FIR को मतलब अनदेखा करते हैं मगर ये वाले इनोसेंट लोग मैं राजदीप सुनिए मैं राजदीप का शुभेच्छु हूँ तो होता क्या जैसे ये 10 बातें कहेंगे 8 सही कहेंगे 2 में फैक्चुअली दाएं बाएं होगा तो इनके जो लवर्स हैं सोशल मीडिया पे वो 2 को उठा के कहेंगे देखो ये क्या बोल रहे हैं। आपको बड़ी तस्वीर देखिए अगर मैं यहाँ का नागरिक हूँ
अगर मुझे मेरे घर के बाहर एक फ्लाईओवर आ रहा है, 60 पेड़ कट रहे हैं, स्कूल की दीवारें एक तरह से उसको भी अफेक्ट हो रहा है, मुझे जाकर मैं किससे मिलूं? ये सवाल है ना, मेरा कॉरपोरेटर नहीं है, 3 साल से यहाँ चुनाव नहीं हुए, मेरा जो MLA है वो मुझसे नहीं मिलता है, अगर मैं मिलना चाहूँ तो मुझे परमिशन नहीं मिलती है, एक सिटीजन्स ग्रुप वो सही परमिशन है, जो नेता और लोग सिटीजन्स का एक बहुत गैप डिस्कनेक्ट है, तो अगर लोग प्रोटेस्ट करना चाहते भी है, पता नहीं है उनको कहाँ प्रोटेस्ट करना, तो जाके वो ट्री के पास ही खड़े होंगे। मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं आपके द्वारा आपके ट्रैवल के तजुर्बों पे, मुंबई हो या बंगलुरु, इसका माई बाप कौन है? जैसे राजदीप सर ने इनसाइटफुली पॉइंट आउट किया, देयर इज अ जनरल फीलिंग दैट देयर इज अ एब्सकॉन्डिंग और एब्सटेंशन ऑफ responsibility by the local officials, and that's why most of us will look to state elections to see that there's a concentration of political power there, at least maybe we can get a few concessions from them in these elections. Okay, aap mein se ek aur hain jinhone yahi ghar khareed liya, kahan gaye wo? अच्छा इन्होंने कहा खरीद लिया घर, बधाई हो, इनकम टैक्स वालों को और से देखो इनको। अच्छा एक ये पीछे खड़े, अच्छा नबीला ये बताओ आप कहाँ कहाँ घूमे हो अभी तक? सब तरफ कोस्टल कर्नाटका, ओल्ड मैसूरू रीजन, मोस्टली अक्रॉस बेंगलुरु एंड सराउंडिंग एरियाज, सबर्ब्स। बताइए क्या देखा? क्या क्या देखा, मतलब ट्रेंड के बारे में? पॉलिटिकल ट्रेंड के ट्रेंड, ये हाईली पोलराइज्ड कैंपेन है, जो बीजेपी का पहला जो एक उनका 4% मुस्लिम रिजर्वेशन का क्वाशिंग था, वो उनका सबसे ऊपर कैंपेन पिच है कि हमने ये खारिज किया है, ये इलीगल था, हमने ये और कर्नाटका में, नहीं 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 बिल्कुल पूरे कर्नाटका में, अक्रॉस कर्नाटका 4% मुस्लिम रिजर्वेशन ऑफ OBC वाज क्वाश्ड, तो ये बीजेपी कह रही है कि हमने रिवर्स किया है इलीगैलिटीज को, लीगैलिटीज में बदला है, और जो 2% लिंगायत और लोकलीगल्स, हाँ देवेगौड़ा के टाइम से था, इंट्रोड्यूस हुआ था, मुसलमान एक्चुअली सोशली बैकवर्ड है, बहुत सारे कमीशन रिपोर्ट्स ने कहा है, मगर जो देवेगौड़ा ने जब रिजर्वेशन का पॉलिसी बनाया, उन्होंने बनाया ना अंडर द टैग ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी, विच इज नॉट राइट, रिलीजियस माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, दे नहीं सकते, मगर सोशली बैकवर्ड क्लासेस को दे सकते हैं, तो ये टेक्निकल फ्लॉ के ऊपर बीजेपी ने उनको खारिज किया है, बोला है कि इलीगल है, हमने बहुत बड़ा काम किया है, बट अदरवाइज यू हैव करप्शन एज एन इशू, यहाँ पर जो प्राइस राइज है, गैस की प्राइस का इशू है, उसके बारे में पॉलिटिशियंस कम ही बात कर रहे हैं। राजदीप, करप्शन इज बिगेस्ट, आई विल कम टू यू सर, कहाँ कहाँ गए आप? पहले ये बताओ आप किन किन बड़े नेताओं से मिले? एक बड़ी खासियत कर्नाटका की है कि उनके नेता बड़े एक्सेसिबल हैं, बहुत अच्छी बात है। तो BS बोम्मई से, बोम्मई जी से मिला, कल ब्रेकफास्ट लिया था शिव कुमार जी से, सिद्धारमैया जी से कैंपेन ट्रेल की थी उत्तर कर्नाटका, मुंबई कर्नाटका में, और कल मैं गया था दोपहर को HD कुमारस्वामी के साथ। अच्छा, आपने कैमरे पे उनसे क्या पूछा वो मैं इंडिया टुडे पे देख लूंगा जी, कैमरे के पहले और बाद में जो बातें हुई वो आप नेतानगरी में बता दो। बड़े इंटरेस्टिंग नेता है, उन्होंने ये कहा कि मेरे पास अगर वो रिसोर्सेज होते जो बीजेपी और कांग्रेस ने कहा, कुमारस्वामी ने, मेरे पास वो रिसोर्सेज होते जो बीजेपी और कांग्रेस के साथ है तो मैं दुगने सीट लाता इनसे। उनके पास क्या कमी है, बीच बीच में पावर में आते रहते हैं 6 महीने 1 साल के लिए ही सही। सर कांग्रेस और बीजेपी की रिसोर्सेज काफी ज्यादा है, ये एक ऐसा राज्य है जहाँ कांग्रेस के पास भी रिसोर्सेज है, वैसे ज्यादा राज्यों में बीजेपी के पास बहुत सारे मनी बैग्स है, DK शिव कुमार बहुत अमीर है, नहीं नहीं देखिए अपने पर्सनल वेल्थ को भी डालते हैं, सही बात है, वो उनके पास है, लेकिन बीजेपी, नबीला जी मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, कोई भी पॉलिटिशियन, आई रिपीट, कोई भी पॉलिटिशियन अपनी पर्सनल वेल्थ को इन्वेस्ट नहीं करता है, पर्सनल क्रेडिबिलिटी लगाते हैं जिसमें बहुत सारे भामाशाहों को वो लेकर आए। सो नहीं, इंटरेस्टिंग बात है कि उन कई नेता कहते हैं कि 25 से 50 करोड़ कर्नाटक में चुनाव में पार्टीज लगा रहे हैं पर कैंडिडेट। अब आप सोचिए, अगर मैं 25 से 50 करोड़ लगा रहा हूं तो मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए, यही वजह है, यही क्योंकि यहाँ मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स है, यही प्रॉब्लम है कि ये करप्शन शुरू कहाँ से होता है। अगर मैं 25 से 50 करोड़ लगा रहा हूँ, कुछ तो उससे भी ज़्यादा बातें करते, चलिए थोड़ा एग्जैजरेशन होगा लेकिन पैसे का खेल है, तो अगर इस पैसे के खेल से कर्नाटक नहीं उभर पाएगा तो ये करप्शन रहेगा। कुमारस्वामी ने कहा कि अगर मेरे पास बीजेपी कांग्रेस जैसे रिसोर्सेज होते तो मेरा स्ट्राइक रेट डबल होता, बट ही ओनली फोकसेस ऑन 70-80 सीट्स। बिल्कुल, देखिए इंटरेस्टिंग बात है, इस बार उन्होंने मेहनत की है, वो 5 महीनों से, देखिए TV का क्या प्रॉब्लम क्या है, हम लगातार मोदी जी, अमित शाह,
और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, डीके शिवकुमार, सिद्धरमैया को दिखाते केजरीवाल का नाम लेना भूल गए। नहीं नहीं नहीं, ये नेशनल लीडर जो यहाँ है कुमार स्वामी नेशनल पार्टी सर बिल्कुल सही, लेकिन चुनाव तो कर्नाटक का है, यहाँ लड़ रहे हैं। 5 महीनों से कुमारस्वामी यात्रा पर है, पंचरत्न यात्रा। उन्होंने शायद इन सभी नेताओं से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज गए, ज्यादा गांव में गए, कितना हमने दिखाया। कल मैं सक्सेसफुल नहीं था हमारे हिसाब से, वो उतना लोग के गैदरिंग नहीं थे, और 30 सीट्स, वो 30 सीट्स का टारगेट करते हैं। आई थिंक व्हाट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज देवेगौड़ा जो 90 साल के है, एट 92 ही इज ऑलमोस्ट रीसरेक्टेड, एक साल के ऑलमोस्ट बेड रिडन थे वो, तो अब ये कैंपेनिंग कर रहे हैं, वो एक बड़ा टर्न होगा जेडीएस के लिए। टेल मी द सिमिलैरिटी, शरद पवार बारिश में भीगते हुए दैट सतारा रैली, देवेगौड़ा एट द एज ऑफ 90 कैंपेनिंग, डू यू फाइंड एनी सिमिलैरिटी? देखिए सिमिलैरिटी इन देयर पॉलिटिक्स, जिस तरह की नेतागिरी उन्होंने दोनों ने किए, जमीन से जुड़े हुए हैं। जो जो ग्राम पंचायत लेवल से, अब आप देवेगौड़ा तो प्रधानमंत्री बने, शरद पवार रक्षा मंत्री बने, प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन उनकी जो एक कनेक्ट है, देखिए रीजनल लीडर्स की मैं ये बात करूँ ना, हमें ये सोचना चाहिए जब आप रीजनल कल्चर में आते हैं, कर्नाटक का एक ऐसा राज्य है जैसे बंगाल था, वहाँ के लोग जब सुनेंगे ना कन्नडा भाषा में, कन्नडिगा का एक कनेक्ट जो आता है वो रीजनल नेताओं से है। आज मुझे लगता है, मैं जा रहा हूँ बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन जब मैं गया था 10 बजे, मालूम है कौन पहला लीडर वहाँ पहुँचा था? जेपी नड्डा नहीं थे, बीएस बोमई नहीं पहुँचे थे, एक ही नेता था, बीएस येडियुरप्पा, और वो एक कॉर्नर में वहाँ बैठा था। उस तस्वीर में मुझे लगा कि अगर बीजेपी इस चुनाव में नहीं जीतती है और नंबर 2 पार्टी बनती है कांग्रेस को, उस तस्वीर को आप पकड़िए, यहाँ का सबसे बड़ा मास लीडर वो है बीजेपी में, विदाउट अ डाउट। मगर बहुत उनको साइडलाइन किया गया है पार्टी में, तो वो एक धक्का देगा बीजेपी को। बट बिल्कुल, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर राजदीप सर। सर आपने कुमार स्वामी से बात किया, क्या वो बीजेपी के साथ अलायंस करेंगे? बहुत ये बस है, मैं आपके क्वेश्चन को रिफ्रेश कर देता हूँ। राजदीप जी, कैमरा बंद होने के बाद HD कुमार स्वामी ने क्या बताया, बीजेपी और कांग्रेस से किसके किसके कॉल आ चुके हैं और क्या प्रपोजल है ऑन द टेबल? ये ललन टॉप को जानना चाहिए कि जब कोई नेता ऑफ द रिकॉर्ड कुछ कहता है, उसे ऑफ द रिकॉर्ड रहने दीजिए, मतलब कुछ कहा गया है। लेकिन मुझे लगता है एक फर्क है, 2018 में कुमारस्वामी बिल्कुल खुले तरीके से कहते थे कि हमें बीजेपी को दूर रखना है, इस बार वो बीजेपी को दूर रखना नहीं कहते, वो कहते हैं दोनों मेरे दुश्मन है। मुझे लगता है कि कुमारस्वामी दोनों इस बात के दुश्मन है कि उनको टेन्योर पूरा नहीं करने देते। उन्होंने बड़ी, मैंने उनका कहा सर यू आर द जोकर इन द पैक, जो 30-35 सीट है वो डिसाइड कर सकती है। उन्होंने कहा देखिए कोई जो खेल है ना, जोकर के बिना खेल खत्म नहीं होता। तो वो उनके पास 3 ऑप्शन है, एक कि वो कांग्रेस के साथ जाए लास्ट टाइम और कांग्रेस को कहे मुझे किंग बनाइए, नंबर 2 वो कांग्रेस के साथ डील करे ढाई साल कि 2.5 साल मुझे दीजिए, जो उन्होंने 1 साल और पहले मुझे दीजिए, पहले और दूसरी बार में वो रिलायबल नहीं रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो हुआ था बीजेपी के साथ 2008 में, और तीसरा बीजेपी के साथ डील कर दीजिए। और एक बात देखिए, बीजेपी के पास आज की तारीख में कोई बड़ा वोकलिगा लीडर नहीं है उस लेवल का। अगर कुमारस्वामी बेनिफिट इन 2024 नहीं, देखिए कुमारस्वामी अगर चाहे तो अपोज देवेगौड़ा, जब तक देवेगौड़ा है, देवेगौड़ा वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ शायद नहीं जा सकते, लेकिन पोस्ट देवेगौड़ा कुमारस्वामी कुड बी लाइक एकनाथ शिंदे, एक लोकल लीडर जो बीजेपी अपनी तरफ करे, क्योंकि देखिए जितने भी मैंने लीडर देखे ना बहुत शार्प। अच्छा, मुझे ये बताइए उनके परिवार में जो बहुत सारी खबरें आ रही थी, परिवार में झगड़ा वो है, है? बिल्कुल है, 7-8 लोगों का MLA MP बनाया एक ही परिवार में, लोग तो तंग ही हो चुके हैं। नहीं देखिए 30-35 सीटों पर उनकी पकड़ है शायद, अगर वो राजदीप जी मेरा सवाल है, उनके परिवार में सब कुछ अब ठीक है? मैं उनके फार्म हाउस के पीछे सब लोग खोपड़ी हिला रहे हैं। नहीं, सब ठीक नहीं है, क्योंकि वो तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, अगर लॉन्ग टर्म में बीजेपी एक वोकलिगा फेस चाहे तो शायद कुमारस्वामी या रेवन्ना की तरफ देखे, मोस्ट लाइकली कुमारस्वामी, क्योंकि कुमारस्वामी की एक पकड़ अपनी है। अच्छा वो थोड़ा, अच्छा हमारे दर्शकों को बिना ऑफ द रिकॉर्ड वाले उसमें फंसे, जरा वो जूस वाला प्रसंग सुनाइए, वेरी इंश्योर दैट हिज सन वेट्स फॉर वाइल्ड। ऐसा है, बता दे बता दे, हम लोग पहुंचे उनके घर 12 बजे, 12:30 बजे निखिल कुमारस्वामी, उनके बेटे की रैली थी रामनगरा में, वो वहाँ के कैंडिडेट है, तो उनका एक PS आता और कहता है सर हमको जाना है, 12:30 बजे रैली है। तो उन्होंने कहा नहीं मेहमान आए हैं, गेस्ट हैं, हम लोग इंटरव्यू करेंगे ये वो। तो मैंने कहा सर रैली में जाना है तो जाइए सर, वी कैन डू। नहीं नहीं, उनको भी थोड़ा धूप में रहने दीजिए, लोग मेरे लिए इंतज़ार कर रहे हैं, निखिल अभी यंग है।
तो देखिए फादर भी फादर समझता है कि ताकत तो उसी की है ना, जो एक तरह से देवेगौड़ा की ताकत थी कुमारस्वामी को मिली, अब वो अपने बेटे को दे रहा है। देखिए ये जो परिवारवाद है ये जेडीएस की जरूर एक कमजोरी बनेगी ये लॉन्ग टर्म। ये बार एक्चुअली कुमारस्वामी ने फेयर प्ले किया है क्योंकि हिज ब्रदर रेवन्ना की बीवी भवानी ने एक टिकट मांगा था, देवेगौड़ा खुद ही अपने डॉटर इन लॉ को मना नहीं कर पाया, मगर कुमारस्वामी ने एक स्ट्रॉन्ग एक डिसीशन लेके एक कार्यकर्ता को दिया ये बार टिकट बिकॉज दे वांटेड टू शेड डायनेस्टी पॉलिटिक्स। बोम्मई ने क्या बताया? बोम्मई देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात अभी जो बोम्मई इज ट्राइंग, देखिए उनकी एक पहचान नहीं बन पाई है, वो डबल, हम लोग बीजेपी बार बार कहते हैं डबल इंजन। प्रॉब्लम कर्नाटका में क्या हुआ है, सिंगल इंजन जो है ना मोदी जी की वो अभी भी उनकी एक पकड़ है, लोग मोदी जी इज़ अ वेरी पॉपुलर लीडर, लेकिन दूसरी जो इंजन है बोम्मई जी, एक उनकी कमजोरी हो या पार्टी की कमजोरी हो वो अपनी एक छवि नहीं बना पाए हैं। क्योंकि बीजेपी की ये बीजेपी वही मॉडल पे जा रही है जो इंदिरा गांधी के जमाने में कांग्रेस की मॉडल थी। कई सालों तक कर्नाटका में जो सबसे बड़ा लीडर कर्नाटका का कौन था 70 के दशक में? देवराजर्स ने यहाँ चिकमगलूर में 78 में इंदिरा गांधी को एक बार फिर जिताया था लोकसभा। दो साल बाद वही देवराजर्स छोड़ के जाते हैं और आप देखेंगे 80 के दशक में कांग्रेस के कमजोर मुख्यमंत्री एक तरह से बने और उसका फायदा बाकी पार्टियों ने उठाया। यही हो रहा है कि येडियुरप्पा जो यहाँ के सबसे बड़े नेता थे, हाँ आप मुख्यमंत्री फॉर लाइफ नहीं कह सकते। डिफरेंस है लेकिन राजदीप, इंदिरा की कांग्रेस और इधर मोदी की बीजेपी में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ का, कांग्रेस ने 71 ऑनवर्ड्स, इनफैक्ट 69 स्प्लिट ऑनवर्ड्स कभी भी अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ को बहुत बिल्ड करने पर ध्यान नहीं दिया और इसीलिए बीजेपी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट के बावजूद हर स्टेट में जहाँ जहाँ वो सरकार में रहे हैं वो फाइट में रहते हैं, ऐसा बिल्कुल वाइप आउट होते कहीं अभी तक नहीं दिखे हैं बारिंग छत्तीसगढ़ 2018। जीशा आप भी ट्रैवल की हैं, आपको ग्राउंड पे क्या सेंटिमेंट दिखा? बिकॉज अभी मैं रणबीर की एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें एक आदमी ने बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन की कि साहब केंद्र में मोदी जी ठीक है लेकिन यहाँ पे मुझे बोम्मई ठीक नहीं लग रहे हैं। सो एक वो जो वोटर स्प्लिट हम लोग बोलते हैं, हम बहुत सारे नौजवानों से बात की और उनका यही कहना था दे आर वेरी बुलिश ऑन जेडीएस क्योंकि लोकल पार्टी ज़्यादा समझते हैं, उनको लगता है कि दिस इज ओल्ड मैसूर रीजन है मैसूर में और बेंगलुरु में जो हम जिन नौजवानों से बात किया, बट वो वही क्रिटिकल और सिनिकल है कि अगर जेडीएस आ भी जाती है वो अपने आप से कुछ नहीं कर पाएगी, फिर वही होगा। उन्होंने इस हद तक बोला है कि जो भी आएगा होना तो वही है, ये सारा हमारे साथ ही गलत करते हैं, जो भी आता है पैसे ही खाता, तो क्या ही फर्क पड़ा है, इस हद तक बोला है उन्होंने। बट आई हैव समथिंग टू से अबाउट द बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ जो आपने कहा, ये बार बीजेपी ने 72 फ्रेश यंग कैंडिडेट्स को आगे रखा है, तो ये बार की प्लानिंग नहीं है, बीजेपी लॉन्ग हॉर्स, यू नो लॉन्ग वॉर हॉर्सेस है, लंबी रेस के घोड़े हैं, लुकिंग फॉर इन द लॉन्ग रन। ये शायद ये बार बोम्मई पकड़ नहीं पाएगा मगर फिर भी मोदी के नाम पे ही वोट, नया लीडर कौन होगा? मोदी के नाम पे ही वोट ले, येदियुरप्पा का बेटा या कोई और? येदियुरप्पा विजेंद्र, येदियुरप्पा का बेटा। देखिए बड़े इंटरेस्टिंग, मैं एक मुंबई कर्नाटका में नेता बीजेपी का मिला था, यंग है 52 इयर्स ओल्ड, मैं उनको कल्याण कर्नाटका नहीं, अच्छा सर हैदराबाद कर्नाटका, नहीं 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 हैदराबाद कर्नाटका नहीं, वो लोग वो टर्म यूज नहीं कर रहे हैं, वो कोटा कित्तूर सर, इट्स कित्तूर कर्नाटका एंड कल्याण कर्नाटका, नॉट मुंबई एंड हैदराबाद, स्टेट अलग हो गए हैं सर। चलिए सर मैं, और वो जो आपने जाके मराठी में प्रोग्राम किया कर्नाटका बॉर्डर पे, पब्लिक ने वो भी नोटिस किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आज महाराष्ट्र डे है, हमारा माझ्या मातृभाषेवर खूप स्वाभिमान आहे, पण मला एक बड़ा इंटरेस्टिंग लीडर है, वहाँ दो बार जीता है अरविंद बेलाट, दो बार जीता है, यंग है, इंसियाड से सीख के आए, उसके पिताजी भी वहाँ एमएलए रहे थे ये हुबली धारवाड़ में। मैं देख रहा हूँ उस जनरेशन के नेताओं में वो शायद उसे कई लोग पसंद करते हैं, डोंट रूल आउट कि उस तरह का नेता फ्यूचर में एक बीजेपी का नेता बनता है। बड़ी सही बात है कि एक जनरेशनल चेंज करवा रही है बीजेपी, ये उनकी ताकत भी है, ये मैं मानता हूँ जो आपने कहा, ये उनकी एक डिफरेंस है कांग्रेस के साथ कि एक बेंच स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश है। लेकिन सवाल ये उठता है ये चुनाव जो है ना इसमें एंटी इनकम्बेंसी मैंने बहुत देखी है, लेकिन लोग कर्नाटका को प्रिडिक्ट करना क्यों मुश्किल है सौरभ? क्योंकि ये एक ऐसा राज्य है जहां आप डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जाना हवा बहुत बदलती है, आप अगर मुंबई कर्नाटक में कैंडिडेट्स और बिकॉज़ ऑफ द नहीं वहां की राजनीति देखिए हाइपर लोकल, ओल्ड मैसूर में जेडीएस स्ट्रांग है, मुंबई कर्नाटका में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की बैटल है
और मुंबई कर्नाटका में लिंगायत फैक्टर बहुत पड़ता है, यहाँ अगर आप मैसूरु में आए तो वोकली का फैक्टर पड़ता है, अगर आप हैदराबाद कर्नाटका या कल्याण कर्नाटक में जाए, जो मुझे लगता है इस इलेक्शन का बड़ा फैक्टर है दलित फैक्टर, दलित वोटर किस तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ जो लेफ्ट और राइट दलित के बीच में डिवीजन था उसका फायदा कुछ हद तक बीजेपी को हुआ था। बीजेपी को मैं दर्शकों को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ, जब आप कर्नाटका के कंटेक्स्ट में जब भी सुनेंगे ना दलित लेफ्ट एंड दलित राइट, तो तात्पर्य उनका ये, जब वो दलित राइट का है यानी कि दलित, और जब वो दलित लेफ्ट का है यानी कि महादलित, क्योंकि दलित राइट और दलित लेफ्ट के बीच भी बहुत गैप है। अगर आपकी क्वेरी हो तो मैं बता दूं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो नेता हैं वो दलित राइट कैटेगरी से आते हैं, 0.1 0.2, यहाँ पर कर्नाटका में कभी भी उनकी छवि एक आउट एंड आउट दलित नेता की नहीं रही है, एक कर्नाटका के कद्दावर कांग्रेसी नेता की रही। और इनफैक्ट आप ये चीज़ नोटिस करेंगे, चाहे आप सचिन पायलट से बात करें, चाहे खड़गे साहब से बात करें, कि वो सिर्फ अपनी कास्ट आइडेंटिटी के साथ अपनी लीडरशिप को आइडेंटिफाई नहीं करते, वो कहते हैं भाई मैं पूरे स्टेट का, पूरे देश का लीडर बनना चाहता हूँ, आप एक जाति समूह के साथ मुझे मत जोड़िए। जी प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल सही, और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि कर्नाटक की राजनीति को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, वेव इलेक्शन यहाँ बहुत कम होते हैं, रीजन में कोई पार्टी कमजोर हो सकती है, जैसे हो सकता है कि JDS ओल्ड मैसूरु में बहुत अच्छा करे लेकिन बाकी कर्नाटका में वाइप आउट हो जाए, या कांग्रेस, देखिए ये चुनाव दो एरियाज में डिसाइड होगा, ओल्ड मैसूरु में क्या होता है और मुंबई कर्नाटका में क्या होता है, क्योंकि बीजेपी का गढ़ मुंबई कर्नाटका है, JDS का गढ़ ओल्ड मैसूरु। ये बताइए आप, ये इस सब के बीच में एक सेंट्रल कर्नाटका वाला रीजन भी, आप सिद्धरमैया से भी मिले। जी बिल्कुल, मुझे बताया गया है कि यहाँ के येदुरप्पा के साथ साथ जो दूसरे बड़े नेता हैं जिनकी जमीन पर बड़ी पकड़ है, और सिद्धरमैया के हम पॉलिटिकल ग्राफ को देखते हैं तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आती है कि मतलब किसी भी आप नॉर्थ इंडियन से, ईस्ट इंडियन से, वेस्ट इंडियन से बात करिए देश के अंदर, तो वो उनको सबको रटा, अच्छा जी एक लिंगायत हैं एक वोकलिग्गा हैं, भले ही उनको हिस्ट्री ना पता हो कि बसवन्ना के समय से कैसे शुरू हुआ, लिंगायतों और वीर शैवों के बीच में क्या है, या वोकलिग्गा का कैसे पहली बार जिक्र आया 9वीं-10वीं सदी में, पर ये दो पता है, कुरबा कम्युनिटी से आते हैं, OBC की पॉलिटिक्स करते हैं, और ये बड़ा दिलचस्प है कि 2018 में जब कांग्रेस हारी तो उसका वोट शेयर 36.6% से बढ़ के 38 के ऊपर गया था, सीट 120 से घट के 80 हुआ था, और ये सिद्धरमैया ने 5 साल सरकार चलाई थी, उनसे बातचीत में क्या समझ में आया? देखिए अगर कांग्रेस जीतती है या नंबर वन पार्टी बनती है तो आपको मानना पड़ेगा दिस इज सिद्धरमैया इलेक्शन, आप कहीं भी जाइए, आप कहीं भी कर्नाटका में जाइए, अगर सीधा जैसे आप सिद्धरमैया की जिक्र करते हैं लोगों में एक भावना है उनकी, उन्होंने जो अन्न भाग्य लोगों को 5 KG राइस दिया था, या अन्य जो गरीबों के लिए स्कीम्स किए थे, इंदिरा कैंटीन, लोग बड़ी उनको बड़ी अच्छी तरह से देखते हैं, और मुझे लगता है कि ये चुनाव हम TV में बैठकर लिंगायत वोकलिगा ये कास्ट का की बात करते हैं, ये चुनाव गरीबों का है, जो गरीब 1200 रुपये गैस सिलेंडर दे रहा है वो बहुत दुखी है, और अगर कांग्रेस जीतती है या नंबर वन पार्टी बनती है उनके गारंटीज जो हैं, प्लस कि हम आपको बिजली देंगे 2000 यूनिट्स की, हम आपको 10 KG राइस देंगे, हम 3000 रुपये महिलाओं को 2000 रुपये महिलाओं को, 3000 रुपये नवयुवक युवाओं के लिए, ये जो गारंटीज है ये कंबाइन करके मुझे लगता है, प्लस सिद्धरमैया की लोकप्रियता, उन्होंने बताया क्या आपको ये बताइए, ऑफ कैमरा चीजें बताया करिए, ये सब तो हम सुनते रहते हैं। अच्छा मैं आपको एक आखिरी स्टोरी बताता हूँ जो कर्नाटका की स्टोरी है और फिर मैं निकल रहा हूँ। That tells about the political ecosystem of Karnataka across the party lines. बिल्कुल, मैं गया था सिद्धरमैया सर के साथ गोकक में, जो मुंबई कर्नाटका एरिया में है, वहाँ रमेश जारकिहोली वहाँ का स्ट्रॉन्ग मैन है, ये वहाँ कई 6 बाहुबली बाहुबली आप कर्नाटका स्टाइल बाहुबली कहिए, बड़ा मकान है लेकिन कंट्रोल करते हैं, यहाँ बाहुबली का मतलब क्या होता है, पूरे इकोनॉमी पर कंट्रोल, बैंक पर कंट्रोल, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स पर कंट्रोल, उस तरह का कंट्रोल होता है, तो जारकिहोली वहाँ के एक तरह से बाहुबली है, कांग्रेस में थे और उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाकर कुमारस्वामी की सरकार को गिराया था। ड्यूरिंग द रैली सिद्धरमैया कहते हैं ये जारकिहोली जी बहुत नालायक है, मैं कनाडा जितना समझ पाया कि नालायक ही कहा था या ये फिर कोई स्लिप ऑफ टंग है, नहीं नहीं नालायक कहा था, जारकिहोली को उन्होंने क्या कहा था, नालायक कहा था, मैं था वहां, नालायक कहा था कि जो उन्होंने कहा किया गलत किया, पार्टी को बिट्रे किया, तो फिर उसके रैली खत्म हुई, मैं उनके साथ जा रहा था चौपर की तरफ, तो मैंने कहा सर आज आप बड़े गुस्से में थे जारकिहोली के खिलाफ, नहीं रमेश जी इज माई फ्रेंड, सो ऐसे पर अभी आपने तो उनको नालायक कहा, वो तो चुनाव है, देखिए ये खासियत है कर्नाटक की, जो आपके उत्तर प्रदेश बिहार, ये जो दुश्मनी जो है ना, ये दुश्मनी यहाँ नहीं होती, ये दिन में दुश्मन होते हैं रात को दोस्त होते हैं,
और इसी वजह से एक आप ये हिंदी में इस तरह के मुहावरे मत बोला करो, बहुत अजीब साउंड करते हैं। क्या दोस्त दोस्त होते हैं, ये बोलिए कि मंच पे दुश्मन होते हैं पर बैक रूम में दोस्त होते हैं, ये दिन और रात वाला डील। ऑन दैट हैप्पी नोट ये खासियत है, और ये खासियत पर ये बताइए डीके शिव कुमार को रिजॉर्ट बुक करने पड़ेंगे क्या? उनके अपने रिसोर्ट ही है, बुक थोड़ी ना करना है। देखिए इफ आई वाज अ बेटिंग मैन आई वुड से इट्स 50-50, इट इज ईदर 50% हंग। यू प्ले वेरी सेफ। आई एम प्लेइंग, नहीं आई वांट टू प्ले, क्योंकि आप ललन टॉप पर मैं होता हूँ, वो एक आईटी सेल पूरा मेरे ऊपर है जो देखता है मैं क्या कह रहा हूँ। 50% चांस है हंग असेंबली, 50% चांस है कांग्रेस जीतेगी। अच्छा हंग असेंबली में नंबर वन पार्टी क्या कौन होगी? I will be very surprised if Congress is not the number one party. Yeah, as per internal survey, बोल रही है। I will be very surprised क्योंकि कल अगर BJP बनती है तो ये जो मेरा मैंने जो आज आपके सामने कहा है मुझे मारेंगे ये लोग। राजदीप जी कुछ चीजें आपको नहीं बताते हैं, कल ही राजदीप जी भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ रणनीतिकार के साथ बैठे हुए थे और उन्होंने बहुत दावे से कहा कि हम 120 के अल्ले पल्ले सीटें जीत रहे हैं और ये शुभकामनाएं भी देके आए। पूरी बात बताया करिए आप नेता नगरी के दर्शकों को। नहीं, जब मैं किसी बीजेपी नेता से मिलता हूं मैं कहता हूं आप जीत रहे हैं, कांग्रेस नेता से मिलता हूं मैं कहता हूं आप जीत रहे हैं, क्योंकि मैं आजकल और जेडीएस वालों क्या बोलते हैं? जेडीएस वालों को यू आर द जोकर इन द पैक, द किंग मेकर। और आपके दोस्त अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी भी लड़ी, उनको क्या बोला अरविंद केजरीवाल? और डीके शिव कुमार हर बार बोलते हैं कि वो लड़ाई झगड़ा करते हैं कैमरा के सामने, तो वो हाथ पकड़ के मतलब चेयर करते हैं। राहुल गांधी आके उनको मतलब दोनों को हाथ पकड़वाया जस्ट टू सेटल ऑल दैट डाउट के वो डीके एंड सिद्धरामैया दो बड़े टॉल लीडर्स है कांग्रेस के, है ना? तो एक दिन जो राहुल गांधी की रैली पे दोनों ने हाथ पकड़ा और फिर उसके बाद सिद्धरामैया जाके उन्होंने एक स्पीच दिया, लंबा सा एक पावरफुल स्पीच था। तो फिर वापस आ गए तो फिर मैं डीके के पास गई एक इंटरव्यू लेने के लिए, तभी डीके मतलब एक मिनट पहले उन्होंने हाथ पकड़ा, एक मिनट बाद डीके बोल रहा है अरे यार स्पीच में बोला क्या है नया, इसने जो बोलता है हर बार वही बोला है। You sure you're supposed to say this on camera? Well, it's running top. प्रीति कितने दिन से घूम रही हैं आप? सर मैं कल ही आई, सही बता रही हूँ, कल ही आई हूँ। ग्रेट, थैंक यू। ये बात मैं आपकी ईमानदारी का कायल हो गया हूँ क्योंकि आया तो मैं भी कल हूँ पर मैं कर्नाटक में ऐसे ज्ञान दे रहा हूँ जैसे मैं नहीं, मैं कल ही आई हूँ। कल हम कोलार गए थे तो कोलार से बहुत देर रात पहुँचे तो अब आगे कोलार में क्या देखा? देखिए कोलार में एक तो मतलब द शेयर फैक्ट दैट ए दैट इट वॉज सपोज टू बी द सेकेंड सीट फॉर सिद्धरामैया, ही वॉज डिनाइड अ टिकट देयर, सो द कल्ट ऑफ सिद्धरामैया इज स्टिल क्वाइट वेरी स्ट्रॉन्ग वहाँ पर। दूसरा जो आई एम श्योर जो आपके दर्शक को देखते होंगे अब मतलब रील और रियल में डिफरेंस है, KGF कोलार गोल्ड फील्ड्स वो बहुत मतलब एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इन टर्म्स ऑफ ट्राइंग टू गेज दी ऑडियंस रिएक्शन। और बिल्कुल पॉलिटिक्स की तरह जैसे होता है ना, एक वक्त था कि 100 साल के ऊपर से इट वॉज ग्लिसनिंग इन स्वेट ब्लड इन गोल्ड, द ल्योर ऑफ गोल्ड वॉज सो मच के भारत की सबसे पहले जो रेल लाइन है वो कोलार में आई, भारत में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी आई वो कोलार में आई। क्यों आई? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे जब उन्होंने प्लंडर किया हमारा सब तो गोल्ड तो था ही, जब 2001 में उनको लगा गोल्ड थोड़ा ख़त्म हो रहा है तो बंद कर दिया। तो वट मतलब मुझे बहुत स्टार्क जो लगा एंड इट्स सो मच लाइक पॉलिटिक्स कि जब आप बिजनेस पे होते हैं आप सुप्रीम होते हैं, जब आपको कोई पूछता नहीं आप कुछ नहीं रहते। तो नाउ दैट इंटायर सिटी ऑफ कोलार हैज कम टू अ प्लेस वेयर दे हैव नथिंग। सो फ्रॉम फाइट KGF, यश का एक बड़ा मूवी था KGF, कोई ऐसा प्रपोजल नहीं वहां पे कि कुछ ऐसे बड़ा सा म्यूजियम या कुछ इस तरह? नहीं अभी तक, बिकॉज इट्स द गवर्नमेंट ओन्ड लैंड, सब कुछ वहां पर गवर्नमेंट ओन्ड है। तो व्हाट इज लाइक आई सेड आई थॉट पॉलिटिकली इट्स वेरी सिग्निफिकेंट एंड इंटरेस्टिंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ओनली कि व्हेन यू आर ऑन द टॉप ऑफ योर गेम यू आर द बेस्ट। तो सब कुछ वहाँ पे, बाय द वे पूरे भारत का सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी अगर अस्पताल खुला है वो वहीं पर खुला है, पर अब उस पर ताला लगा हुआ है, वहाँ पे पानी धीरे धीरे वही वहाँ पे ना पानी है अभी, वहाँ पर ना हेल्थ है। ओवरनाइट हुआ था ये सब 28 February 2001 एंड दे सस्पेंडेड ऑपरेशन, स्टॉप नहीं सस्पेंड किया। हम गए थे, हम यूनियन लीडर से बात किए, आधे घंटे का पूरा रिपोर्ट है जो ललन टॉप पे आ रहा है। ऐसे अबैंडन कर दिया साइनाइड के माउंटेन्स ऑफ माउंटेन्स, जो रॉक्स उन्होंने निकाले थे जिसमें गोल्ड नहीं था, माउंटेन्स एंड माउंटेन्स ऑफ दैट एंड दैट सीप्स इनटू जो पानी होता है नीचे, तो इट सीप्स इनटू दैट। तो वहाँ पे लोगों को रेस्पिरेटरी इश्यूज़ है, लंग इश्यूज़ है,
ये सारा अबैंडन करके चले गए. When we celebrate the success of KGF, we must pay attention to these issues. कोई नहीं ना किस KGF. I think it's a political story. When you celebrate the success of politics and you celebrate successful politicians, you also have to look at how quickly the dramatic the fall is. It's a political story. And there you what has happened in a minority population, just SCST minority, Christian dominant population and Muslims. So in a large chunk. Yeah. Christian कैसे हुए? क्योंकि जो सारे लेबरर्स जो वहाँ पर थे वो जो काम कर रहे थे दे वर ऑल हिंदू दलित्स. अब ओवरनाइट उनके पास खाने पीने को कुछ बचा नहीं तो क्रिश्चियन मिशनरीज मूव्ड इन एंड यू हैव नाउ एन एक्सपेंस विच हैव 30% ओवर 30% क्रिश्चियन पॉपुलेशन इन दैट बेल्ट. कैसे हुआ? ओवरनाइट हुआ ना ये सारा. यू हैव क्रिएटेड वोट बैंक्स ओवरनाइट. वहाँ पे हर दो स्टेप्स पर अंबेडकर जी की फोटो है, स्टैचू है, इतने सारे चर्चेज है, जितने चर्च में जाने लोग ना हो उतने चर्चेज है वहाँ पर. एंड दे वो बॉर्डर है कर्नाटका और तमिलनाडु का. सो दे मूव्ड हियर टू बी एबल टू वर्क और उनकी लाइफ में उनको अपग्रेड मिला, एजुकेशन, हेल्थ केयर. बट ओवरनाइट सब चला गया 2001 में. कम क्या नाम है आपका? आतिश, आतिश कुमार. क्या करते हैं आतिश? फिनटेक में काम करते हैं. बताइए, बैंगलोर रहते हैं, यहीं के वोटर हैं? वोटर यहाँ का. हाँ, कन्नड़ा बोलनी सीख ली है? ट्रांजैक्शनल बोल लेते हैं. कहाँ से माइग्रेट किए हैं? इंदिरापुरम, गाजियाबाद. गाजियाबाद से बेंगलुरु जी. गुड चॉइस. नहीं, पढ़ाई के लिए आए थे और फिर यहीं रह गए. बस गए जी. घर भी खरीद लिया, वोटर कार्ड भी, तब तो यहीं के हो गए ना. जी जी. सो यू आर कर्नाटका इन मेकिंग. यस. ग्रेट. बताइए क्या लग रहा है इलेक्शन में? इलेक्शन में मेरा जो लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हमारे वहीं से आते हैं. नाम बताइए. बसवराज बैरथी नाम है उनका. नॉर्थ बैंगलोर पड़ता है, केयरपुरम. तो उनकी पोजीशन स्ट्रांग है, हमारे एरिया में काम हुआ है. वी आर हैप्पी. रोड बने हैं, स्ट्रीट लाइट लगी है, सर्विलांस बहुत अच्छा हुआ है. मतलब सीसीटीवी कैमरास, एक भी ऐसा नुकन कॉर्नर नहीं है जहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं है. मेट्रो आ रही है हमारे यहाँ. सो वी आर हैप्पी. बट अगर आप स्टेट लेवल पे देखें तो हाँ, हमें बताया भी यही गया है कि जो अर्बन सेक्टर्स हैं खासतौर पर बेंगलुरु वगैरह, वो अभी भी बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है. हाँ, लेकिन ओवरऑल क्या बता रहे हैं आप? ओवरऑल दैट्स व्हाट मैसूर रीजन का जो ओवरऑल स्टेट पॉलिटिक्स है उसमें बीजेपी कहीं डाउन जाती दिख रही है. बट एज आई हैव कम टू रिप्रेजेंट. इशू क्या लग रहा है, क्या डिफरेंस लगता है आपको यूपी की पॉलिटिक्स और कर्नाटक की पॉलिटिक्स? देखिए, बिग क्वेश्चन. हाँ, क्या नाम है आपका? ललित. आप भी वहीं से हैं क्या? मैं मुरादाबाद यूपी से हूँ, बट 10 साल से बैंगलोर रहता हूँ. नौजवान अभी दाल खाने चले गए. चलो, आपका बिग कंसर्न एक है. थैंक यू, थैंक यू. वहाँ और यहाँ की पॉलिटिक्स में है ना, यहाँ पे जो शहरी लोग हैं वो पॉलिटिक्स में कम इन्वॉल्व होते हैं. मतलब जो शहर के बैंगलोर के लोग हैं ना, आप खुद ही देख लीजिए, वो बहुत कम इन्वॉल्व होते हैं. बट क्योंकि उनके लेगेसी वोटर्स हैं वो लोग. अब जैसे तेजस्वी सूर्या बैंगलोर साउथ से जीतेंगे ही जीतेंगे, बात ये है. तो वो मेन पॉइंट होता है. बट यूपी में अगर आप देखें तो वो वेव इधर उधर लेफ्ट राइट होता जाता है. बट बैंगलोर साइड में आप देखें तो एक वो बहुत ही प्योर सीट है. बट कंसर्न एक दो है, वो हम ललन टॉप के हिसाब से अगर बोल सकें. खुल के बोलिए. हाँ, ललन टॉप पे खुल के नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे? जैसे जो बाहर के लोग आते हैं जो सीख रहे हैं कन्नड़ा बोलना, यहाँ का जो पेपर वर्क सीख रहे हैं, तो जो लैंड रिकॉर्ड जब हम लोग घर वगैरह खरीदने जाते हैं तो बहुत क्लियर नहीं है, स्पेशली बैंगलोर में. ए खाता प्रॉपर्टी, बी खाता प्रॉपर्टी, OCCC, सी खाता. तो जो लोग बाहर से आते हैं उनको लैंड रिकॉर्ड समझना इट्स अ बिट डिफिकल्ट. ऑन द सेम लाइन अगर हम लोग खरीद लेते हैं घर तो उसके बाद एसोसिएशन बनाना इज मोर डिफिकल्ट. तो हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता है. 3 एक्ट है कर्नाटका में, 60 एक्ट जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बन जाती है, 59 एक्ट, 72 एक्ट जिसमें कर्नाटका फ्लैट ओनर एसोसिएशन. देर इज अ लॉट ऑफ एम्बिग्यूटी कि विच एक्ट इज वॉट, जिसका हाईकोर्ट का थप्पा किस पे लगा हुआ है. हम कौन सा एक्ट बनाए कि वी कैन पुट आवर कंसर्न्स कि कावेरी वाटर की पाइपलाइन हमारे यहाँ 1 किलोमीटर पहले तक आ गई है लेकिन हमारे यहाँ नहीं आई है. सो दैट एम्बिग्यूटी ऑफ द एक्ट ऑफ जिससे हमारा रिप्रेजेंटेशन हो सका है, सिटीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा एक वो पॉइंट रहेगा. बट हाँ, जिस पार्ट ऑफ बैंगलोर से मैं बिलोंग करता हूँ, आई एम हैप्पी विद द डेवलपमेंट, विद द थिंग्स विच हैव हैपेंड इन लास्ट 5 ईयर्स आई वुड से. बताइए भाई साहब. यस सर, बिल्कुल. सो आई कम फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ ईस्ट बैंगलोर, इट्स कॉल्ड अनेकला कॉन्स्टिट्यूएंसी. मुरादाबाद के हो तुम तो हिंदी बोल लो. बिल्कुल सर, ऐसी बात नहीं है. मुझे को लगा ठीक है आपने या कन्नड़ा बोल लो. नहीं, कन्नड़ा वो इधर से इधर ट्रांजिशन हो रहा है. तो सर, डेफिनेटली अभी तक हमारे यहाँ पे कांग्रेस से कोई भी विजिट करने नहीं आया. कोई हमसे पूछने नहीं आया कि तुम्हारे लेक साइड रोड है या साथ में कोई डेवलपमेंट हुआ है नहीं हुआ है. तो बेसिकली बीजेपी इज रियली कमिंग सो स्ट्रांग. वी हैव अ रिसेंट मीट्स एट द अपार्टमेंट, राइट? तो वहाँ पे सर जी, मैं बहुत मुश्किल से हो पा रहा है, समझो आप मेरी बात. क्या अंग्रेजी है? अच्छा, डर लग रहा है वो बोलने में. हाथ कांप रहे हैं. इंग्लिश और हिंदी की बात कह रहा हूँ मैं. हाँ, इतना मुश्किल नहीं हो पा रहा. आराम से सर जी, थोड़ा उधर होते तो करते हैं, इधर थोड़ा मतलब
अच्छा आप ये बोल रहे हैं यहाँ हिंदी बोलने में दिक्कत है? नहीं नहीं, इट जस्ट अ नॉर्मल लैंग्वेज ना, आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स ही हो गया ना, तो हिंदी का रहेगा ना इंग्लिश का हो गया। अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, चलिए बोलिए, हिंदी नहीं बोलिए तो इंग्लिश कब हो जाता है? ये मेरे लिए भी स्विच कब हो जाता है ना, वो वाली बात है। शाम होते होते अमेरिकन इंग्लिश में स्विच हो जाता है, शाम होते होते अमेरिकन इंग्लिश में स्विच हो जाता है, हमारा डायलेक्ट अमेरिकन से चेंज हो जाता है। वो कब हो जाता है पता नहीं चलता है, और जब बेटी बगल में आके बोलती है पापा ये क्या बोल रहे हो, व्हाट आर यू सेइंग, तो वो स्विच अच्छा, बिटिया रानी भी अंग्रेजी वही है, अमेरिकन है भैया, पापा हमसे तुम अलग तरीके से बात करते हो, और अभी कॉल पे ये अलग इंग्लिश कैसे चल रही है। हां तो जैसे जैसे हेडफोन ऑन होगा, जैसे हेडफोन कैपिटल ऑफ इंडिया भी तो है पब कैप। बट सर एक ही बात बोलूंगा कि कांग्रेस हो या जेडीएस हो या बीजेपी हो, अगर कोई आपके पास विजिट कर रहा है, अपार्टमेंट तक आ रहा है, और आपको अपने कैंडिडेट का नाम बताता है कि हां श्रीनिवास, मेरे को नाम तक नहीं पता बीजेपी का एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसी या विधानसभा से कौन हमारा एक प्रेसिडेंट कैंडिडेट है, राइट, तो एटलीस्ट अपार्टमेंट में आके वो बता रहे हैं कि देखो हम बीजेपी के कैंडिडेट हैं, हमने ये सब किया है, हमारा एक फ्यूचर प्लान है, एटलीस्ट आई नो समवन कि हाँ भाई मैं इसको। आप इस चीज से बहुत खुश हैं कि एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम आपके लिए एक बड़ी प्रायोरिटी है, जो कि रिवर्स में हो रहा है, वो रिवर्स, आप जनसभा में नहीं जा रहे हैं, वो बड़ा पंडाल लग के आपको नहीं बुलाया जा रहा है, वो आपके हिसाब से सैटरडे संडे को आपकी छुट्टी देख के सुबह में आ रहे हैं। That is a very good point if you see. और लिख के लेके जा रहे हैं, नाम लिख के लेके जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्या है। अच्छा लेक पर मैं एक लेक बताता हूँ, मेरे बगल में लेक है, वो एनजीटी के अंदर आती है ना, नेशनल ग्रीन टेरिटरी के अंदर। उन्होंने बोला कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, वी हैव टू गो टू अप टू सुप्रीम कोर्ट। तो अभी क्या हो गया, उन्होंने बोला चलो हम लेबलिंग कर सकते हैं, चलो आपका जेसीबी आ जाएगा, रोलर आ जाएगा, हम आपको लेबलिंग करते हैं, सीसीटीवीज लगाते हैं, थोड़ा डंप करने के लिए यहाँ पे लोग कचरा डाल जाते हैं उसके लिए थोड़ा, अरे एटलीस्ट बंदा कुछ तो बोल ही रहा है, नहीं, नहीं, बहाने नहीं, तो नहीं मार रहा। मैं काउंटर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीर है, मैं सरजापुर एरिया से आता हूँ, आई थिंक हरलूर सरजापुरा से। हाँ तो मैं बताता हूँ, वहाँ प्रॉब्लम्स है, रोड की प्रॉब्लम है। एक क्रेडिट मैं पहले देना चाहूँगा कि सारे जो लेक्स थे, बहुत सारे लेक्स, उनको डीसिल्टिंग करके उनका ब्यूटिफिकेशन हुआ है पिछले बहुत साल में, तो वो एक चेंज दिख रहा है, जो पहले सारे बदबूदार दलदल थे वो अभी चेंज हुए हैं। और ऐसे नहीं कि सारे बड़े बड़े, छोटे छोटे को भी आइडेंटिफाई करके कर रहे हैं, लेकिन रोड का और सीवर का प्रॉब्लम यहाँ अभी भी है उस एरिया में। एक बार रोड खोदेंगे और ये 7-8 महीने वैसे ही रहेगा, ओवरनाइट रोड बनाएंगे और फिर से खोद देंगे, वो पूरा प्रॉब्लम है। सीवर का पानी रोड पर रहेगा और तब तक वो टूटता रहेगा। सरजापुर एरिया में गार्बेज का इश्यू भी है, वहाँ पे कहीं भी डंप करते हैं गार्बेज। ये अर्बन बेंगलुरु इश्यूज, इसका अलग मंत्रालय बना था ना इस बार, मंत्रालय बनने से नहीं, मेरे को जो रोड पे जो फ्लडिंग की इश्यूज जो हम टेलीविजन पर इतना देखते हैं बारिश के मौसम में, इनके एरिया में ही सबसे ज्यादा, क्योंकि जो बेड्स है, लेक बेड्स है, उसके ऊपर बनाए गए सारे ये अपार्टमेंट्स और टैक्स, आप उसके बारे में बात कीजिए। और एक और प्रॉब्लम है यहाँ, पॉट होल्स इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ बैंगलोर। आपको पता चलेगा कि कितने लोग बाइक से स्किड होकर गिर गए और कितनी डेथ हुई, ठीक है, आप काउंट करेंगे तो ये कोविड के नंबर से भी ऊपर जा सकता है। हम लोग खुद अपने घर वालों को सजेस्ट नहीं करते हैं कि आप टू व्हीलर चलाओ, स्पेशली क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत होती है, यू कैन नॉट स्पॉट द पॉट होल, राइट, और बहुत बड़ा पानी भर गया तो पता ही नहीं आपको, कुछ नहीं पता चल रहा है, ठीक है, पानी बैंगलोर। क्या नाम है? अक्षय श्रीवास्तव। तो सर ये जो प्रॉब्लम है ये पूरे बैंगलोर में है, ये नहीं है कि सिर्फ एक अर्बन बैंगलोर या नॉर्थ बैंगलोर या साउथ बैंगलोर, आप बैंगलोर के किसी भी एरिया में जाइए, आप अभी एमजी रोड पे हैं, जो क्लोज एरिया है ये काफ़ी पॉश एरिया माना जाता है यहाँ का, लेकिन यहाँ पे आपको वो चीज़ कम दिखेगी, लेकिन यहाँ पे मेन पब्लिक नहीं रहती है, लेकिन जैसे ही आईटी लेबर यहाँ नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी मारा जाएंगे वहाँ पे इतने गड्ढे हैं कि सही में, मतलब मैंने भी कहाँ रहने वाले हैं आप ओरिजिनली? मैं भोपाल से हूँ। क्या डिफरेंस दिखता है एमपी और यहाँ की पॉलिटिक्स में? सर एमपी की पॉलिटिक्स और यहाँ की पॉलिटिक्स में डिफरेंस ये है कि एमपी में पॉलिटिक्स में क्योंकि छोटा शहर है भोपाल कंपेरेटिवली बैंगलोर के, तो जो लोग हैं जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप जो कॉपरेटर हैं उनको आप एक्सेस नहीं कर सकते या नहीं है, उनसे मिलना मुश्किल है, लैंग्वेज बैरियर भी है थोड़ा, वो एक है, लेकिन एमपी में लोग ज्यादा अप्रोचेबल हैं, तो वो तो भाई सीखनी पड़ेगी भाषा जी, कन्नड़ा कोई नहीं सीखता, कोई नहीं बात करता, एज अ लोकल आई कैन टेल यू दिस, हां क्या, कोई नहीं सीखता, कोई नहीं बात करता, और मैं एज अ लोकल मैं आपको बता सकती हूं, आप बात करके देख लीजिए, सबसे पूछिए कितने साल से क्या सीखा, प्यार से सिखाना होगा जीशा जी, ऐसे गुस्से से भाषा कोई नहीं सिखाता, गुस्से से नहीं, अपने आप से भी कोई एफर्ट कभी होता नहीं है सर, हेल्प होता है, इफ यू लर्न इट हेल्प्स यू। सो ट्रांजैक्शनल जो आप सुनते होंगे ऑटो वाला ने इतना मांगा, अरे भाई आप उसकी भाषा बोलो वो कम ट्रांजैक्शनल, इट डज हेल्प मी। यहाँ पे खूब सारी इस तरह की कोचिंग या आई वेलकम टू यू, इस तरह के कोचिंग या इंस्टीट्यूशन चलते हैं कि आप 6 महीने का ये कोर्स करिए तो आप थोड़ा सा बातचीत वाले कन्नड़ा एनजीओज हैं, यहीं कबन पार्क में चलता है संडे सुबह आपको, कन्नड़ा गोतिल्ला करके एक ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्री में सिखाती है, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, तो वो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, बताइए। ठीक है, मैंने बहुत कोशिश की, जब मैं बैंगलोर आया मैंने सबसे पहला सेंटेंस सीखा मुंदन नील दाना व्हाइट फील्ड और व्हाटएवर, नहीं मेट्रो नहीं बस से,
उसका मतलब है आपका नेक्स्ट बस स्टॉप इज दिस, राइट? आप फिर से बोलो। मुंदिन अनिल दाना वाइट फील्ड करेक्ट। सो आई टुक एफर्ट, आई लर्न फ्यू वर्ड्स, मैंने सीखा जैसे धन्यवाद गलू बोलते हैं, कन्नड़िका बोलते हैं, मैंने बहुत कुछ सीखा। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम है कि हम ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पे इंग्लिश चलती है, राइट? यू डोंट गेट टू टॉक टू पीपल इन द लोकल लैंग्वेज अनलेस यू टॉक टू लोकल्स, तो ही हम सीख पाएंगे। आपके लोकल दोस्त हैं? मेरे लोकल दोस्त हैं, लेकिन तो उनसे आप इंग्लिश में ही बात होती है, थोड़ी बहुत बात होती है, हिंदी में बात हो जाती है, चार पांच बताएं मानेंगे। लोकल जो अगर आप वो एक्सेप्टिंग है, अगर आप उनसे स्ट्रगल करके कन्नड़ा बोलिए ना तो वो रिस्पॉन्ड इंग्लिश में कर देंगे, भाई तुम लोड मत लो, आराम से रहो। एज एन इमिग्रेंट यहाँ पे बोलूंगा मैं कि यहाँ पे के लोकल फ्रेंड्स मेरे बहुत अच्छे हैं, मतलब आई हैव बीन टू वेरियस अदर स्टेट्स, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, ये तो मैं बोलूंगा। नाउ यू कैन स्माइल विदाउट अरोगेंस, यू कैन स्माइल, दैट अच्छे हैं। हां, क्या नाम है आपका? हिंदी में बात करने वाला कोई नहीं मिलेगा महाराष्ट्र से? हां सुनिए सुनिए, हां बताइए। अगर आप किसी को यहां पे फोर्स करेंगे कि आपको हिंदी बोलना ही होगा तो आपसे वो हिंदी बात नहीं करेंगे, अगर आप प्यार से बात करेंगे तो आपको क्या कॉर्पोरेट कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में। दुनिया का यही नियम है प्यार से, प्यार से। हां कोशिश करनी पड़ेगी। ये एक बात है कि बेंगलोर, क्या नाम है आपका? उत्कर्ष, मेरठ से। क्योंकि कॉस्मोपॉलिटन है, हम लोग बिना सीखे भी चल जाता है काम, तो दैट्स काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम कि हम नहीं सीख पाते हैं। बट डू यू फाइंड दैट इंस्पिरेशन की थोड़ा सीखना चाहिए? थोड़ा सीखना चाहिए, बट इट्स अ टंग ट्विस्टर, लैंग्वेज भी थोड़ा नॉर्थ इंडियंस के लिए थोड़ा टंग ट्विस्टर हो जाता है। लाइक अभी तक मैं अर्ली नहीं बोल रहा। क्या करते हो आप? कोडिंग? एरोस्पेस इंजीनियर हूं। तो सीखना पड़ा होगा ना एरोस्पेस? को कोर्स किया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर्म गोरखपुर। शुरू में तो सब कुछ नया और मुश्किल लगा होगा। हाँ, तो थोड़ा मुश्किल है, बट अगर काम चल जाता है उसके बिना तो रह रहे हैं, वो इंस्पिरेशन नहीं मिल पा रहा है। अगर आप यहाँ की भाषा साहित्य और जबान थोड़ा सीख लेंगे नहीं, तो आपको ज्यादा मौज आएगी। नहीं, आई एग्री। एकदम यहाँ के त्योहार भी मनाओ, उत्तर भारत त्योहार तो हम सारे मनाते हैं, बट पढ़ने लिखने में बहुत आसानी मिल जाएगी। दाल का छोंका कैसे लगता है अभी पता चल जाएगा कितना अडैप्ट किया है। कौन सा अपनी कौन सा मालावारी दाल का छोका लगाते हो या बैंगलोर स्टाइल लगाते हो? तो मैंगलोर वाली में इमली पड़ता है, जो सबसे अलग होता है, जो बैंगलोर वाली दाल होगी उसमें इमली। बैंगलोर नहीं, मैं बैंगलोर बोल रहा था। हाँ, बैंगलोर वाली में इमली पड़ता है, इमली का पानी और थोड़ा थोड़ा हरी पत्ता पड़ता है, मजा आता है खाने में। तो फिर देखिए खाने में मजा आ रहा है, वैसी भाषा में भी आएगा, भाषा में भी आता है सीखने को। तो मैं जब अगले चुनाव में आऊँ, अभी लोकसभा वाले में आऊंगा, तब आप मुझसे मिलना और तब थोड़ा दो चार पाँच सेंटेंस कन्नड़ा के, ठीक है? असाइनमेंट देके जा रहा हूँ ऑन कैमरा। वेरी गुड। और कहाँ है भाई लोग? हाँ भाई, आप कहाँ से आओ गुरु? तो सेल्फी आ रहा है, राष्ट्रीय बीमारी, राष्ट्रीय बीमारी। बहुत खुशी वाली बात है, इतने बड़े आदमी के साथ। मैं यूपी से हूँ, वो तो समझ में आ रहा है। कहाँ से? यूपी में मुरादाबाद। इनका छोटा भाई हूँ, इनकी मदद से आगे बढ़ा। लग नहीं रहा तो इनके छोटे भाई लगता है, कुछ भी नहीं है सर, हो जाता है। लेकिन तेवर तुम्हारे मुरादाबाद से ज्यादा मेरठ वाले हैं। वैसे मेरठ के तो हम रखते हैं आपके पास। क्या रखते हो भाई? दबंग 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 दबंग। देखो ऐसा ना हो कि अभी बोल दो कैमरे पे, फिर हमको एक कल बोलो कि डिलीट कर दो ये वाला हिस्सा। अब नहीं होता वो काम, अब मोदी सरकार है सर। अब डिलीट नहीं, अब डिलीट नहीं बनना पड़ता, तो डायरेक्ट वीडियो पे चलता है वायरल। क्या कुछ भी रख के घूम सकते हो? नहीं, ये कब बोला मैंने? ये तो आपको बना रहे हो। मैं तो पूछ रहा हूं, गलत बात। हां, पूछने का अलग चीज होती है, अब ये बोलना अगर लेकर रख रहे हो। अरे तुम बोले कि हम तो लेके चलते हैं दबंग, हमने बोला दबंग लेके चलते। क्या दबंग लेके चलते हैं? मतलब थोड़ा इस वाक्य को समझाइए। इस वाक्य का मतलब है कि हम बीजेपी के बहुत बड़े भक्त हैं, उन्हीं को ही सपोर्ट करते हैं। इसको कौन क्वेश्चन कर रहा है? हम तो उस दबंगाई के अपने। अच्छा, आप ये आजकल आप बीजेपी के सपोर्टर हैं इस बात को? आजकल हम बहुत सत्ता में हैं, आप लोग सत्ता में हैं, तो उस बात की खुशी बहुत ज्यादा। बहुत हमारे डैड सर्व इन बीजेपी फॉर 38 इयर्स। आपके पिताजी 38 साल हमारे पिताजी है, जिला प्रेसिडेंट है मुरादाबाद से। अच्छा, तो आप लोग भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं आपके पिताजी? क्या नाम है? अशोक कुमार गुप्ता। अशोक कुमार गुप्ता जी, यस। अच्छा, तो अभी तो वो बहुत व्यस्त होंगे नगर निकाय के चुनाव में। वो थोड़े दिन पहले कोविड की वजह से लॉस्ट हो गई थी उनकी लाइफ, जबकि वैसे मैं यहाँ पे आया हूँ। पहले मैं उनके साथ सपोर्ट करता था सारी पॉलिटिक्स को, बट एक सेकंड, आपके पिताजी? My dad died of COVID last year. अच्छा, उनका निधन हो गया। अच्छा, तो वो मुझे, चूंकि आप लोगों ने जैसे बोला ना कि वो हैं, तो मुझे समझ में आया उनका निधन हो गया। वेरी सॉरी। और थोड़े दिन पहले, दो तीन दिन पहले उनका वो था डेथ एनिवर्सरी बरसी थी। हाँ, तो अच्छा, उसी क्या करते हैं भाई साहब आप? मैं एक स्टूडेंट हूँ अभी, एमटेक कर रहा हूं। एमटेक। तो आगे चल के फिर आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करेंगे या? नहीं, लेकिन मैं उसको प्रमोट करूंगा। प्रमोट करेंगे। क्या अच्छा लगता है आपको बीजेपी में, बताइए? जो भी चेंजेस अब हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटलाइजेशन, पहले इसके बिल्कुल भी पता नहीं चलता था लोग कहाँ पैसे लोग दे रहे हैं। मतलब लेट्स से आई गिव यू, मैंने आपको कुछ रुपए दिए, मेरे को पहले पूरी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती थी। आजकल सारी चीज़ डिजिटलाइजेशन है। आई एम नॉट सेइंग इट्स बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट, इट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन बिलीव इन बीजेपी कि हाँ वो सब सही कर रहे हैं।
पहले उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था, ये मेरा बिलीव है। जैसे यहाँ पे ज्यादातर लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा सा बीजेपी को इस बार एक तगड़ी लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है, एंटी इनकम्बेंसी है, इस पे आप क्या सोचते हैं? तगड़ी लड़ाई हर जगह मेरे को लगता हो सकती है, क्योंकि दूसरे वाले क्या तैयारियों के साथ खड़ा हुआ है वो हम नहीं बता सकते। हम अपने कॉम्पिटिशन वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये मैं बिलीव करता हूँ, हम आगे जीतेंगे सब जगह जीतेंगे। सब जगह के नहीं बोल सकता, हाँ जहाँ हमने काम किया है, कहाँ काम किया है अभी हमें इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ जितना मैं वीडियो वगैरह देख रहा हूँ, जितना हम लोग जा जाकर लोगों से पूछ रहे हैं, लोगों की समस्या बताते हैं, लोग बोलते हैं हाँ हम लोग आए उनसे मिले हैं। मैं बीजेपी की तरफ से बोल रहा हूँ। आप यहाँ कर्नाटक में प्रचार कर रहे हैं? प्रचार तो बिल्कुल कर रहे हैं, अपने दोस्तों को बोल रहा हूँ वोट करने के लिए, मैं खुद वोट करूंगा। अगर जितना वोट तुम इधर का है हम लोग करा लिया, 7 साल हो गए। अच्छा ये बोले कि पिताजी का पिछली बार मेरा भी हुआ इस साल बेसिकली। यार तुम लोग एक सेकंड, ये कंफ्यूज कर रहा है ना, ये मुझे कंफ्यूज कर रहा है, यही मैं भी कह रहा हूँ। ये यहाँ से जेएन यूनिवर्सिटी से बीएससी किया, 2 साल जॉब किया, फिर डैड के पास अभी गया तो डैड की कुछ सीन हो गया, तो 1 साल बाद इसने सोचा कि वहाँ पे ज्वाइन करेगा। 7 साल 6 साल यहाँ रहने के बाद सोचा कि घर पे वापस जाएगा, बट नाउ ही कम बैक कि भैया के पास ही रहते हैं। तो ये बोल रहा था कि एक साल वोटर कार्ड कहाँ का है? इधर ही यहाँ का, आप यहाँ के वोटर हैं। तो जब आप इस तरह से पार्टी का प्रचार करते हैं तो जो पार्टी की लोकल यूनिट है वो भी रीच आउट करती है, या आप स्वतः स्फूर्त कार्यकर्ता हैं? नहीं, मैं ये काम लोकल्स के साथ करता हूँ, जो लोकल यूनिट के साथ कोलैबोरेट करते हैं। वो आते हैं ना? तो क्या आपको व्हाट्सएप पे आता है एजेंडा कि आज इस चीज़ पे बात करनी है, आज इन इश्यूज पे जाके प्रचार करना है? हाँ, अगर समय होता है तो जाते हैं बिल्कुल। वो तो नहीं, वो एजेंडा किस पे आता है कि आज ये पानी के व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने हुए हैं जहाँ हम लोग वॉलंटियरली जाके अपनी सत्ता के लिए काम करते हैं। प्रेसिडेंट्स लोग हैं ना भाई, लोकल सोसाइटी के जो ग्रुप्स उनके साथ, तो उनको आप टैप करते हैं अलग अलग अपार्टमेंट, फिर सबसे टाइम निकालते। तो आपको मुरादाबाद के जनसंपर्क में और बेंगलुरु के जनसंपर्क में क्या फर्क दिख रहा है? लोगों के इन्वॉल्वमेंट का कहाँ पे? वहाँ पे बहुत होता है, वहाँ अगर 100 लोगों की मेरी अगर सिटी है, मान लो 85 लोग कितने क्रेज होता है उनके अंदर, 85 लोग चौराहे के चाणक्य हैं। ये हमारे साथी रजत जी हैं, ये यही कहते हैं कि सर हमें ये समझ में नहीं आता यूपी में हर आदमी की पॉलिटिक्स में इतनी दिलचस्पी है, 85% आदमी क्रेज रहता है, समझा देगा पूरी। और सबके घर में उस दिन पनीर बनेगा, इलेक्शन के 2 दिन पहले, इलेक्शन के 2 दिन बाद। भाई साहब ये आप कौन से भारत के कह रहे हो, सबके घर में पनीर बनेगा? ऐसा नहीं होता यार, आप पार्टी वाले ना, हम जीत रहे हैं ना, आदत हो गई है उस चीज की। अरे आपके घर में पनीर बनता है 2 दिन पहले 2 दिन बाद, कह रहा है कि सबके घर में पनीर बनता है। आप बहुत प्यारे हो, आपको पता है ना ये? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आएंगे आएंगे अभी थोड़ा। हाँ आपका क्या नाम है? श्रीकांत। श्रीकांत आप कहाँ से हैं? मैं झारखंड से। झारखंड से यहीं पे काम करते हैं 7-8 साल से IT फील्ड में। तो अभी वोटर आप कहाँ के? झारखंड के? नहीं मैं झारखंड। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आप बहुत सारे लोग जॉब के चक्कर में स्विच करते हो, आप लोग अपना वोटर कार्ड क्यों नहीं स्विच कराते हो? बिकॉज बहुत ऑनेस्टली बताना, इसमें अभी कोई क्राइम नहीं। आप वहाँ जाके वोट डालते हो? हाँ मैं जाता हूँ सारे इलेक्शंस में, ऑलमोस्ट सारे में नहीं लेकिन जाता हूँ। या तो वो वोटर मोबिलिटी वाला जी जो एक बात चल रही है, वो चल रही है, वो ताकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ जाए, आप वोट डाल सकें, वोटर परसेंटेज बढ़ जाए। अब जैसे मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूँ, हमारे यहाँ कल वोटिंग है नगर निकाय चुनाव की, हाँ हमारी नगर पालिका की हो रही थी, पर मैं यहाँ हूँ मैं नहीं डाल पा रहा हूँ। एंड गिवन ए चॉइस, अगर मेरे पास होता है एक मोबाइल OTP आधार लिंक तो मैं शायद डाल पाता, सो आई एम ए स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ दैट। जी तो मैं ईस्ट बेंगलोर में रहता हूँ, तो इश्यूज़ बहुत जो ज़्यादा फेस कर रहे हैं हम लोग, वही पॉट होल्स, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर लॉगिंग और कंस्ट्रक्शंस के वजह से टू मच ऑफ डस्ट एंड पोल्यूशन। आप लोग जैसे हम लोग, आप झारखंड में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आप महाराष्ट्र में, तो हम लोग एक होता है जैसे महाराष्ट्र में मान लीजिए मराठवाड़ा के हैं तो फिर भी हमें पता होता है अच्छा विदर्भ का ये इशू है ना, वेस्टर्न महाराष्ट्र का ये इशू है या कोंकण बेल्ट का ये इशू है, ऐसे है ना सोचते चलते। यहाँ पे आप लोग इस बात में दिलचस्पी लेते हैं कि जो कल्याण कर्नाटक है या कोस्टल कर्नाटक है वहाँ क्या इशूज है, या बहुत ही लोकल रहता है? लोकल, बिकॉज स्टेट इलेक्शन है, आपको MLA से ही जो भी बात है अपने, मेरे ईस्ट में तो वो अरविंद लिंबावली की वाइफ इस बार महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रही है, तो हम लोग का उधर लोकल, स्टेट इलेक्शन के लिए लोकल पॉलिटिक्स ही। मैं बिहार से हूँ और जनरली हम लोग पॉलिटिकली इंक्लाइंड होते हैं, कहीं का भी पॉलिटिक्स पढ़ लेते हैं, अमेरिका का भी पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ के जो न्यूज़पेपर्स हैं उसमें आपको कंटेंट नहीं मिलेगा। जैसे टाइम एनी न्यूज़पेपर, राइट, मैं यहाँ कल अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर लूँगा तो उसमें नहीं होगा, आपको नेशनल पॉलिटिक्स ही मिलेगा और बैंगलोर का न्यूज़ रहेगा। दूसरा, अगर मेरे को लोकल न्यूज़ देखना है तो इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स कम है, ऑब्वियसली आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, पूरा कन्नड़ा तो नहीं समझ सकता, थोड़ा थोड़ा बाइट में समझ सकता हूँ।
और जैसे आपके जैसे डिजिटल चैनल भी नहीं है जो उतना हिंदी में बताएं लोकल के बारे में, नहीं तो हमको भी इंटरेस्ट है, हम भी समझना चाहेंगे, अब हम यहाँ के रेसिडेंट हैं, तो वो रीज़न है कि हमको मिल नहीं पा रहा है उतना एक्सपोजर समझने के लिए कि क्या है, क्यों नहीं सब समझेंगे, अगर हम नोएडा में रहते हैं तो नोएडा की सारी पॉलिटिक्स समझते हैं, दिल्ली की भी पॉलिटिक्स समझते हैं, लेकिन यहाँ पे है कि हाँ उतना हमको ऑप्शन नहीं मिलता है। ओके, क्या नाम है आपका? अभिषेक। क्या करते हो? आईटी। ये सवाल नहीं पूछना चाहिए एक्चुअली। नहीं पूछना चाहिए। क्या लग रहा है इलेक्शन? समझ में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है क्यों? देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ये मुझे, ये मेरे फेवरेट वोटर होते हैं जो बहुत ही ऐसे क्लोज सा, एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली वोटर भी नहीं है। हाँ अभी शिफ्ट नहीं किया है। कर लो। कर लेंगे पक्का। कहाँ अभी वोटर कहाँ के हो? अहमदाबाद। गुजरात से? हाँ जी। इंटरेस्टिंग, वहाँ पे सब ठीक चल रहा है? हाँ, हमारे एरिया। अच्छा, आप अपने आईटी फील्ड में बताइए। आईटी फील्ड? हाँ, गुजराती डेविश कर दीजिए इनको। हाँ, बहुत बधाई आपको, बहुत शुभेच्छा। मैंने राजदीप सर को भी बधाई दी। बहुत बढ़िया किया। यहाँ पे कोई महाराष्ट्र भी था, उनको भी बधाई। हाँ, सबको बधाई है, महाराष्ट्र वालों, गुजरात वालों को, लल्लन टॉप वालों को भी, जो सबको एक साथ ले आए। आपने भी शुरुआत गुजरात से ही किया था, जहाँ से आपका मतलब शुरू हुआ था, जहाँ तक मैंने सुना है। बिल्कुल सही सुना है, शुरू उत्तर प्रदेश से किया था, पर भाई ने गुजरात में देखा, जो जब जैसे डिस्कवर कर ले। नहीं, मैंने आपके मुंह से कहीं पे सुना था। हमको बहुत मौज आती, गुजरात वो पहला राज्य था जहाँ पर पहली भाषा हिंदी नहीं है, और बहुत रिसेप्शन मिला हमें, बहुत रिसेप्शन मिला 2017 में, बहुत मज़े आए थे, हम लोग बहुत घूमे थे, हम और रजत जी। हाँ जी, उनको भी जानते हो? हाँ जी, बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मिट्टू बनाई थी ना मैंने, मिट्टू बनाई थी, वो देखी थी। अगर आपने ये डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी हमारी गुजरात टूरिज्म पे, जरूर देखिए। उसके भाई साहब आप भी देखिएगा जब आपको प्रचार से समय मिल जाए। उसके बाद मैंने कच्छ ट्रिप प्लान की, मैं तक तक गया नहीं था। मिट्टू देख के तुमने तय किया? हाँ जी। अच्छा, इसी साल में जाके आया कच्छ। वही नहीं, चलिए तो अब ये हाँ बोलना चाहूँगा। इस बार मुझे जहाँ तक लग रहा है डिसाइसिव मैंडेट ही आएगा। हाँ, मैंने भी कल एक टीवी शो में यही बोला, आइदर और डिसाइसिव ही आना चाहिए, और आना भी चाहिए, क्योंकि 10 साल से बाद में ऑपरेशन लोटस और ऑपरेशन हस्ता चलता है तो पब्लिक भी परेशान होती है। पिछले 10 साल से जो चेंजेस हो रहे हैं, ड्यू टू मेन कंसर्न है कि हंग असेंबली नहीं आनी चाहिए, हंग की वजह से ही 10 साल में कुछ ज्यादा ही। एच डी कुमारस्वामी के सब सपोर्टर्स आपसे नाराज हो जाएंगे। हर अच्छी फिल्म में एक पोस्ट स्क्रिप्ट जरूर होता है, अच्छी कहानी में भी, और नेता नगरी के स्पेशल एडिशन का पोस्ट स्क्रिप्ट ये है दैट वी फाउंड अ वंडरफुल रिपोर्टर, हर नेम इज अनघा, और अनघा मैसूर से हैं और काफ़ी वक्त से कर्नाटक इलेक्शन कवर कर रही हैं, तो मुझे लगा कि आप लोगों को उनके तजुर्बों से भी पता चलना चाहिए कि हवा कैसी चल रही है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अभी आपने कौन कौन से एरिया कवर किए हैं? आई वेंट टू बेलगाम और मैसूर ऑफकोर्स माई बर्थ प्लेस, और फिर मंड्या, हुबली एंड देन मंगलूर, पुतूर, मोस्टली बेंगलोर। मोस्टली बेंगलोर। सो बेंगलोर लार्जली अर्बन पॉकेट है, 28 सीट है। हाँ, मतलब बेंगलोर में यू फाइंड सीट, इट इज़ अ वेरी कॉस्मोपॉलिटन प्लेस, मतलब यहाँ नेटिव बेंगलोरियंस बहुत कम लोग हैं। बेंगलोर से यू हैव मोर पीपल फ्रॉम आंध्र प्रदेश, यू नो, फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम बिहार, फ्रॉम यूपी, फ्रॉम केरला, फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया यहाँ बेंगलोर में है। इफ़ यू गो टू चर्च स्ट्रीट और MG रोड, इनफैक्ट वी वर जस्ट कवरिंग, यू नो, वी वर टेकिंग लाइक अ वॉक्स पॉप, और हमें वहाँ पता चला कि नेटिव बेंगलोरियंस वेरी वेरी लेस, वेरी वेरी लेस, हू एवर यू नो वी वेंट एंड स्पोक टू, उनके पास वोटर आईडी भी नहीं है। सो दिस जस्ट गोज ऑन टू प्रूव दैट बैंगलोर में ट्रू, यू नो, ट्रू बैंगलोरियंस और इवन ट्रू कन्नडिगास, कर्नाटका पीपल बहुत बहुत कम है। सो अनलाइक द अदर स्टेट्स, अदर सिटीज इन कर्नाटका, इन बैंगलोर कन्नडिगास आर वेरी लेस, एंड इट्स जस्ट लाइक हाउ इट इज इन मुंबई। ये एक जो बेंगलुरु एक इंटरनेशनल सिटी बना है और इतनी प्रॉस्पेरिटी आई आईटी हब की, ये उसका भी तो एक रीजन ये है ना कि सब लोगों को लगता है कि दे कैन कम हियर एंड वर्क। या वेरी वेरी पॉजिटिव, ये भी बहुत बहुत पॉजिटिव है, एंड एडेप्टेबिलिटी, एंड व्हेन आई टॉक टू पीपल जो बाहर के स्टेट्स, दूसरे स्टेट से आए हैं, जैसे कि यहाँ के लोग बहुत वेलकमिंग है, मतलब उनको कभी वैसा नहीं लगा कि आउटसाइडर इनसाइडर टाइप का। सो आई एम आस्किंग कि व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन एंड अराउंड बेंगलुरु, तो यहाँ के इश्यूज और जो रूरल एरियाज हैं या अपर कर्नाटका जिसको हम लोग मुंबई कर्नाटका, हैदराबाद कर्नाटका बोल देते हैं, वहाँ इश्यूज में क्या फ़र्क है? वही वो फ़र्क है कि अर्बन इश्यूज एंड एग्रेरियन इश्यूज, या कुछ और भी फ़र्क है? बैंगलोर में मेन इश्यू ये है कि द इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यू, मतलब रोड पे द ट्रैफिक इश्यू, यू नो, व्हेन वी वेंट टू हुबली वो ट्रैफिक फ्लो इतना फ्री था कि वी कुड रीच, यू नो, 30 किलोमीटर्स इन 20 मिनट्स,
you know, it just went like this. But in Bangalore, to cover 30 kilometers, I have to start 2 hours early from my home. I need to get ready 1 hour before that. It's a big hassle here. Yahan, you know, thanks to IT's involvement, we have a lot of traffic issues here. Roads, matlab, if you go to Jayanagar here, the roads are very, very broad. But then you come to some pockets of Bangalore, let's say in Richmond Road, the roads are very, very narrow here. So is it a big electoral issue this time? See, we face this every day. हमें जो इश्यू रोज जो बॉदर करता है वो है हमारे लिए यू नो स्पेशली इट इज एन इलेक्शन इशू. वी वॉन्ट बेटर रोड्स. वी मतलब आई एम स्पीकिंग फॉर द यूथ यू नो फॉर द वर्किंग क्लास ऑफ बेंगलुरु. यू नो द वन थिंग एज मच एज एवरीबडी लव्स यू नो बेंगलुरु, वन थिंग दैट पीपल क्रिब अबाउट इज द ट्रैफिक वॉज इज यू नो इज द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर. मुंबई गवर्नमेंट रही है एक साल, उसके पहले येदुरप्पा की थी, उसके पहले कुमारस्वामी, फिर 5 साल सिद्धरमैया. हाँ, तो कुछ बेंगलुरु के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए कुछ काम हुआ? काम मतलब दे से दैट दे आर ट्राइंग, बट मत यू नो वेन यू टेक योर व्हीकल आउट एंड यू गो ऑन द रोड, रोड्स आर डिसमल. कोई भी देर हैव बीन मल्टीपल गवर्नमेंट चेंजेस एंड ऑल दैट, बट यू नो इवन इफ इट रेन्स फॉर जस्ट वन नाइट द रोड्स आर गॉन. There's massive flooding. Just one night's rain spell will ruin the roads. Yeah. और ये जो महाराष्ट्र बॉर्डर से लगता हुआ कर्नाटक का हिस्सा है, वहाँ पे किस तरह के पोल इश्यूज दिखे आपको अपने ट्रैवल? बेलगाम में मतलब वन पार्ट ऑफ बेलगाम ऑफ कोर्स वांट्स टू बी मर्ज्ड विद महाराष्ट्र. दैट इज वन ऑफ मतलब मोर देन द ग्राउंड ये पॉलिटिकल इशू हो गया है. द लोकल्स व्हेन यू गो टॉक देयर, दिस इज नॉट रियली अ प्रेसिंग इशू फॉर देम. दे डोंट यू नो रियली माइंड इफ दे आर अ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र और दे आर अ पार्ट ऑफ बेंगलुरु. आई थिंक दिस बेलगाम दिस फाइट ओवर बेलगाम इज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल इशू देन अ पीपल्स इशू. एंड अदर देन दैट बेलगाम में द पीपल रेजोनेंस किन इश्यूज का है, मतलब जो ये पार्टी के मैनिफेस्टो में जो इश्यूज बताए जाते हैं, रैलीज में जो चीज़ें बोली जाती हैं, डू पीपल हु डू नॉट हैव अ वेरी क्लियर पॉलिटिकल इंक्लिनेशन, मतलब देयर इज कार्डर वोटर, बीजेपी का, कांग्रेस का, जेडीएस का कार्डर वोटर है, उनको अगर हम किनारे कर दें तो जो एक रेगुलर वोटर है वो किन इश्यूज पर बहुत डिस्कशन कर रहा है? That's actually a very good question. See, voting issue, the things that are spoken in rallies, wo hai, Nandini versus Amul, all these things, the people of Bangalore, people of Karnataka, ye unki mind mein hai hi nahi. It is just political vote bank jo hai, netas jo bol rahe hai ki, the narrative that Congress had created, the narrative that BJP is also creating, that national issue versus regional issue, it's all there in the minds of netas. On ground, when you go talk to people, they're happily buying their Nandini products and not really worrying if Amul will come on to be a threat. What even are they if worried there about? Is Amul, the thing that they're worried about is the issue that they face every day. जो है विच वी स्पोक अबाउट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, दे वॉन्ट बेटर गवर्नेंस, बेटर लाइफ. इफ इट इज रेनिंग दे डोंट वॉन्ट अ फ्लडेड रोड, दे वॉन्ट गो स्मूथली. वो है उनका इन्फ्लेशन, महंगाई. महंगाई है ऑफकोर्स. सो वेन यू स्पीक टू द ऑटो ड्राइवर्स, स्पेशली इन द वर्किंग क्लास, यू नो दोज हु सेल देयर नॉर्मल वेजिटेबल वेयर्स एंड ऑल, दे कंप्लेन अबाउट एलपीजी सिलेंडर्स एंड इन्फ्लेशन एंड महंगाई एंड यू नो द राइजिंग प्राइजेस ऑफ एलपीजी सिलेंडर्स. दैट इज एन इश्यू अमंग द वर्किंग क्लास ऑफ द पॉपुलेशन. यू गो टॉक टू एनी ऑटो ड्राइवर, यू गो टॉक टू देम, दे विल टेल यू द फर्स्ट इश्यू दैट दे विल ओपन देयर माउथ इज अबाउट द सिलेंडर प्राइजेस. सिंस यू कम फ्रॉम द मैसूरू रीजन एंड व्हेनेवर वी सिट देयर इन दिल्ली एंड वी hear about the Karnataka politics, so this historical figure comes up, Tipu Sultan. How do Mysore Walas look at him? Or is again the clash of political jargon? It is completely a clash of political jargon. Matlab Tipu Sultan, he was somebody who lived years back. Nobody in this generation really honestly cares about Tipu Sultan or you know what he did or all those conversion narrative that we are hearing about. The youth of this generation, it's not even there in their minds. It's purely in the minds of netas who are trying to communalize the whole issue. That is the reality. Ye Tipu Sultan wala narrative patriotism, matlab Tipu is our king, how dare they insult our king, they're all just political narratives. On ground, nobody really cares about, you know, this whole communal tension going on. Even when we went to Russell Market, we saw Amar Akbar Anthony jaisa, we saw one proper Hindu selling their wares, Muslim selling their wares, Christian selling their wares. South India mein matlab ये जनरलाइज करने के लिए नहीं है, बट यू नो इट ऑन ग्राउंड रियलिटी व्हेन वी वेंट एंड स्पोक टू देम, दे मेड अ स्टेटमेंट सेइंग ये यूपी बिहार जैसा नहीं है, वी आर हिंदू मुस्लिम भाई भाइया हैं. सो ऑन ग्राउंड देयर इज वेरी लेस. तो ऐसा नहीं दिखता है जब हम हिंदू राष्ट्रवादी की और पीएफआई का क्लैश देखते हैं.
सी अगेन ये कोस्टल कर्नाटका में व्हेन यू गो इट इज ओनली दोस हु आर एफिलिएटेड टू सम पॉलिटिकल पार्टी सम कार्यकर्ता दे आर द वंस हु स्टार्ट दिस होल हिंदू वर्सेस मुस्लिम काइंड ऑफ क्रैश वहाँ भी व्हेन यू गो टॉक टू रेसिडेंट्स देयर यू नो हु ग्रू अप देयर हु आर वर्किंग देयर चाय वालाज द प्रॉपर पीपल रेसिडेंट्स हु आर नॉट अफिलिएटेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी ये हिंदू मुस्लिम वाला नैरेटिव उनके मन में नहीं है इट इज ऑल द पॉलिटिकल ड्रामा मतलब क्लिकबेट वाला न्यूज़ है ओके वन लास्ट क्वेश्चन Karnataka will give a decisive mandate or hung assembly again. What's your hunch? My hunch, well, personally, my hunch tells me it is going to be a hung assembly, and Kumaraswamy is, you know, hoping to be. Here comes the loyalty for the Mysore wala. The Kumaraswamy is hoping to be, you know, the kind of, you know, even he openly says. Again? He says that, you know, in a game of rummy, it is the joker who decides who is going to win. So he says, even if people call me the joker, I am proud to be the joker because I am the one who is going to decide who is going to be. You know, the actual king. So my hunch tells me it's going to be a very, very, very neck-to-neck election and high chances of a hung assembly. Thank you so much, Anga. Thank you. आप देखते रहिए हम लोग इसी तरह जो अलग अलग लोग फील्ड पे जा रहे हैं हम भी जा रहे हैं उनसे बात करते रहेंगे ताकि आपको बहुत अलग अलग शेड्स मिले कर्नाटका इलेक्शन के थैंक यू